आज मैं आपको एक गर्ल का वन पीस बनाना बताऊंगी। 3 मीटर कपड़े का बनेगा ये, और 2 मीटर का पीस अलग है और 1 मीटर का पीस अलग है। साटन का कपड़ा है, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हमने उल्टे कपड़े को बाहर और सीधे कपड़े को अंदर करके फोल्ड किया। अब हमारी बैक साइड की जो लंबाई है 50, और उसमें मार्जिन के लिए 2 प्लस करेंगे और इतने कपड़े को अलग करेंगे। अब 52 इंच का जो हमने कपड़ा काटा है, इसकी जो बंद साइड है उसे हम अलग करेंगे और 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, तीरा हम 5 लेंगे, आर्म होल भी 5 लेंगे और चेस्ट की लाइन 5.5 प्लस 1 लेंगे और 5 इसके नीचे, एक बार फिर 5, एक बार फिर 5। अब ये देखिए, ये 4 लाइनें डल गई हैं हमारी। अब चेस्ट पे 6.5, कमर पे 5.5 और हिप पर 7 लेके मिलाएंगे, और थाइस पे जो है यहाँ भी 7 लेंगे और मिलाएंगे। अब हम इसकी गोलाई डालेंगे आर्म होल की, और ये जो हमने 5 लिया था इसको हाफ कर देंगे। अब तिरछा मिलाएंगे इसे और 1-1 इंच का मार्जिन डालेंगे और फिर से काटेंगे। अब देखिए, 2 हिस्से हैं, एक हिस्से को हम हटा देंगे और दूसरे हिस्से को हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए, उल्टा अंदर है, सीधा बाहर है, और फिर इसको वन साइड को बाहर की साइड और खुली साइड को अपनी तरफ रख के 3-3 इंच के निशान लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाने से लाइन बहुत अच्छी आती है, एकदम सीधी, और फिर इन सब को आपस में मिला देंगे। देखिए, अब मिलाने के बाद इसे खोलेंगे। खोलने के बाद फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर से कपड़ा काटा था उस कपड़े को वापस रखेंगे ताकि हमें मार्किंग मिल सके। तो अब हम इसकी जो हमारी फ्रंट साइड की 41 लेंथ थी, तो हम 43 में 1 प्लस करके 44 लेके इसे काट देंगे। यहाँ से इतना अलग कर देंगे। देखिए, सीधी लाइन काटना बिल्कुल। अब फ्रेंड्स, हम इसके चाक का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ऊपर से नापेंगे, 23 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये देखिए, काटने के बाद हमारे पास ये 20 इंच का चाक बचा है। अब इस चाक को भी हम काट देंगे। चाक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए, सीधी साइड को। तो ये देखिए, ये हमारा चाक कट गया। अब हम इसको अपने पीछे वाले हिस्से के साथ, ये देखिए, इस तरह रखेंगे। सीधा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम इसकी देखिए गोलाई बना रहे हैं। ये हमारी लगभग 4 इंच की होगी। वैसे मैं अभी ये फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये हमने 4 इंच इधर लिया और 4 इंच इधर लिया, और लेके ये गोलाई बनाई। अब हम काटेंगे। काटने के बाद देखिए, इसके साथ जो इसकी साइड है, इसके साथ हम इसे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद एक पीछे तक लेके पूरी गोलाई करेंगे। ये देखिए, ऐसे लेंगे। थोड़ी सी अब आगे भी डालनी पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह अब हम इसे काट लेंगे। जगह हमारी 41 हो गई। अब ये किनारे फ्रेंड्स हमारे आपस में मिलने चाहिए। अगर ऊंचे नीचे हो तो आप ठीक कर लें। अब हम इसे फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करके अब इसकी स्टेप काटेंगे। तो जो इसी के ऊपर से कपड़ा बचा था उसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे, और ये हमारी स्टेप बन जाएगी। अब ऐसी ऐसी हमें 2 काटनी पड़ेगी, ये तो एक ही है।
अब हम इसकी गोलाई करेंगे गले की। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और अब हम इस गोलाई करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर का काटेंगे, आगे आगे वाला इसे नहीं काटेंगे। अब ये हमारा अस्तर का 1 मीटर कपड़ा है, ये 2 पार्ट हमारे कट गए हैं। अब लाइनिंग को हम, ये देखिए 1 मीटर है और ये हम साइड से जो बंद साइड है इसे काट देंगे। अब फ्रेंड्स एक एक करके हम दोनों पोर्शनों को अलग अलग रखेंगे। अब लाइनिंग को दो पीस कर रहे थे उसमें से 1 पीस लिया और लेने के बाद पहले पीछे वाला पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर काटेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर हम जोड़ लगाएंगे तो जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा होगा उसको इक्वल करके 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाकर जोड़ेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अब सिलेंगे, इसको आपस में मिलाकर सिलाई लगा देंगे। अब फ्रेंड्स एक अदर पीस बचा हुआ था उसके ऊपर आगे वाला पोर्शन रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सीधे सीधे अंदर होने चाहिए और उल्टे हमारे बाहर होने चाहिए, नहीं तो आपका कट जो है टेढ़ा हो जाएगा, गलत कट जाएगा। अब हम इसके ऊपर रखेंगे और देखिए रख कर इक्वल करके काटेंगे। अब ये देखिए ऊपर जो जगह खाली बची है इसमें हम अपना बचा हुआ कपड़ा रखेंगे 1/2 इंच ऊपर चढ़ाकर और फिर काटेंगे। अब देखिए अब हम 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा एक रुमाल सा लेंगे। मैंने रेड कलर के रुमाल से लिए हैं, थोड़े से रुमाल लिए हैं मैंने, ऐसे कोई 30-40 के आसपास हैं ये। अब देखिए इसमें हम अपने कोन बनाएंगे, तो पहले ऐसे मोड़ेंगे फिर एक बार और मोड़ के सिलाई लगाएंगे और ये जो दोनों पोर्शन को ऊपर की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद ये देखिए ये हमारे ट्रायंगल बनते चले जाएंगे जैसे हम फूमन बनाते हैं। अब इसे काटेंगे, सफाई से काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कोई भी आप कलर ले सकते हैं। अब हम इसे सीधा करेंगे, मैंने तो ब्लैक के ऊपर ऑरेंज कलर लिया है और आप चाहें तो कोई रेडीमेड लैस या कोई फूल वगैरह रेडीमेड लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी है। अब हमारे पास जो ये आगे का पोर्शन था उस पर हमने फिटिंग लगाई थी, इसको हम अपनी दूसरी साइड भी फिटिंग ले लेते हैं। ये देखिए ये हमने फिटिंग ले ली। अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। अब इसके पीछे वाले हिस्से के ऊपर रखेंगे इसको, जोड़ हम पहले ही लगा चुके हैं सब में। और रखने के बाद ये देखिए अगर आप ऐसे रखें कुछ बड़ा छोटा दिखे तो काट दें और इक्वल करके बिल्कुल चौक के निशान के ऊपर आप सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए सिलाई लग गई। अब हम इसे सीधा करते हैं, ये देखिए हमने सीधा कर लिया। ये हमने जो हमारा 1 पीस है उसका करा है। अब जो हमने अस्तर काटा था देखिए उसको रखेंगे और उसको रखने के लिए इसकी इसको सीधा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उस पर हम निशान लगा देंगे। इससे हमारा जो है बड़ा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल निशान आएगा। ये देखिए दोनों पोर्शन अलग अलग सिलेंगे फिर बाद में एक साथ मिलाएंगे। ये देखिए अब इसको इसी के पीछे वाले के ऊपर रख के, ये देखिए मैंने जोड़ लगा के दिखाए थे आपको कि काटते समय, और फिर इसको जोड़ देंगे। आपस में जुड़ गए हमारे। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों में हमारी सिलाई लग गई है। अब सिलाई लगने के बाद एक के ऊपर एक हम इस तरह रख लेंगे बिल्कुल बराबर करके। ये देखिए जो थाइस का निशान लगाया था यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। देखिए कट लगाने के बाद जो कट से ऊपर की सिलाई है उसे हम निकाल देंगे। ये मैंने थोड़ी बड़ी ही सिलाई लगाई थी ताकि निकालने में आसानी हो जाए। बस अब हम इसे धागा खींचेंगे क्योंकि बड़ी सिलाई है इजीली निकल जाएगी। अब हम इसे खींच के निकाल देंगे। ये देखिए
अब इसी तरह सब, अब दोनों पार्ट सीधे करके इसका जो कट है हम कट को मिलाएंगे आपस में। ये देखिए ये मिलाया, ये देखिए दोनों साइड का। अब फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना, छोटे पार्ट छोटे से मिलाना और बड़े पार्ट बड़े से। अब सिलाई के बाद हम कट लगाएंगे और पूरा नीचे का पोर्शन हम सिल देंगे, सिलाई को मिला मिला के सिलेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए पूरी सिलाई लग गई है, अब हम इसे सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स इस पे हम सिलाई लगाएंगे, पहले प्रेस कर लें फिर सिलाई लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए अब फ्रेंड्स लाइनिंग के और गाउन के कपड़े को अटैच करेंगे एक साथ, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि ये खसके ना। और ये देखिए अब हम इसका गला बनाएंगे। फ्यूज़ पेपर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, रखने के बाद शेप में निशान लगाएंगे, एक एक इंच का निशान लगाएंगे ताकि हमारी गोलाई अच्छी आए। अब काटेंगे इसको, अब प्रेस की सहायता से इसे अपने बचे कपड़े पे चिपकाएंगे। अब फ्रेंड्स इसे काटेंगे और इसमें कट्स लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे और फिर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स अपने उल्टे कपड़े पर हम इसे सिलेंगे ताकि हमारा सीधी तरफ पलट जाए, और कट्स लगाएंगे। अब इसे सीधा करके इस पर सिलाई लगाएंगे, इस पर आप कुछ डेकोरेशन का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब पीछे का गला नापेंगे, 11 इंच आया, 11 इंच हमने लंबा और देखिए 3.5 इंच चौड़ा लेके मोड़ा, और मोड़ के हम अब सीधी तरफ रखेंगे और उल्टी तरफ पलट देंगे। देखिए आगे का गला बन गया। अब हम आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे और मोड़ देंगे अंदर। फ्रेंड्स दूसरी तरफ भी लगाएंगे और इसके भी दोनों हिस्सों में लगाएंगे। अब फ्रेंड्स आर्म होल बन गए पीछे के भी। अब फिटिंग का निशान लगाया दोनों साइड, और अब फ्रेंड्स एक साइड हम चेन लगाएंगे। तो देखो चेन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अब हम शोल्डर से मिलाते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए 10 इंच लंबी, 3.5 इंच चौड़ी हम पट्टी काटेंगे दो, और ऐसे मिलाकर सिल देंगे। अब फ्रेंड्स साइड भी सिल देंगे इसकी ताकि हमें सीधा करने में आसानी हो जाए। अब किसी नोकीली चीज़ से हम इसको सीधा करेंगे। अब इसे काट देंगे ताकि इस पट्टी को हम जोड़ पीछे कर सकें। अब हम स्टेप लगाएंगे, ये देखिए 3.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, दोनों स्टेप लग गई। आप चाहें तो डोरी लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स गाउन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए साटन मैंने अंदर भी लगाया लाइनिंग में, क्योंकि जब चाक खुलता है तो पीछे से कपड़ा दिखता है, अस्तर होगा तो भद्दा दिखेगा। अब ये ट्रायंगल हम देखिए अपने अकॉर्डिंग इसे सेट करेंगे। अगर आप इस पे फ्लावर भी लगाएं तो बहुत सुंदर लगेगा और भारी हो जाएगा नीचे से, तो बहुत ही प्यारा लगेगा पहना हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए आप इसकी जो ट्रायंगल है अंदर की साइड भी लगाएं और बैक में पीछे की तरफ भी लगाएं, पूरे गाउन में नीचे नीचे घेर में। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।